तो वेलकम जितने भी मेंडर न्यूज़ डायरी के जो व्यूअर्स हैं वो अभी जो जुड़ रहे हैं, आप सभी का जो है वो स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। मैंने सोचा कि अब कुछ कुछ अपडेट्स, कुछ कुछ खबरें जो है वो हम आपके तक जो है वो लाइव के ज़रिए भी जो है वो ज़रूर लाएंगे। अभी जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, बड़ी खबर ये है कि मेंडर का जो नका मजाड़ी इलाका है वहाँ पर एक चोरी की बड़ी वारदात जो है वो सामने निकल कर आई है। यानी 9 दुकानों में चोरी हुई है, जिसमें मेडिकल शॉप्स हैं, फ्रूट शॉप्स हैं, ग्रॉसरी, किराना, मतलब कि ये तमाम तरह की जो है वो 9 दुकानें हैं। और उस इलाके से सुबह मेरे को वहाँ के जो सरपंच साहब हैं उन्होंने कॉल की थी कि इस तरीके से हमारे इस इलाके में एक चोरी की घटना जो है वो सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो है वो पुलिस वहां पर पहुंची, गुरसाई पुलिस स्टेशन का ये मामला बताया जा रहा था। और मैं आपको वो भी सुनवाऊंगा कि वहां के सरपंच जो है वो उन्होंने क्या कहा। और ये बड़ी खबर इसलिए है कि 9 दुकानों में चोरी होना अपने आप में एक जो है एक सवालिया निशान भी है, क्योंकि पुलिस वहाँ पर अगर चलने वाली मतलब की रोड है, आवाजाही वहाँ पर रहती है, तो ऐसे में 9 दुकानों में एक साथ चोरी होना ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं कि जो डिटेल्स हमारे पास उस इलाके से निकल कर सामने आई है, उस डिटेल्स के मुताबिक ये 3 और 4 की रात, यानी जो मिडनाइट में ये चोरी हुई है, और इस चोरी को करने का मकसद उन लोगों का क्या था कि 9 दुकानों में चोरी होना एक बड़ी बात है, और चोरों ने वहाँ पर जो वैल्यूएबल सामान था, यानी जो ज़रूरी सामान था वो निकाल लिया, साथ में कुछ लोगों के पैसे थे जो वहाँ पर लॉकर में रखे होते हैं वो भी पैसे भी निकाले हैं। तो इन चीज़ों को लेकर पुलिस ने FIR भी वहाँ पर दर्ज कर ली गई है। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस के कुछ आला अधिकारी वहाँ पर मौके पर पहुँचे थे, कुछ पुलिस के लोग वहाँ पर पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने उस पूरी जो स्पॉट था वहाँ उन दुकानों का जो वहाँ पर जायज़ा लिया और उनसे बातचीत करके ये आश्वासन दिया कि तुरंत जो है वहाँ पर जो चोरी की, जिन लोगों ने चोरी की है उनको तुरंत जो है वो पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, लोगों का भी मानना है कि इन चोरों को जल्द से जल्द जो है वो दबोचा जाए और ये सामने लाया जाए कि आखिर इन चोरों का मकसद क्या था। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें जो है वो विजुअल भी दिखाना चाहूँगा, साथ में जो चोरी की वारदात, यानी वहाँ के जो सरपंच हैं उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो साझा किया है, क्या है पूरा मामला आप एक बार जो है ये भी ज़रूर जो है वो देखिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये वही दुकानें हैं जिनके ताले वगैरह जो है वो टूटे हुए हैं। और ये चोरी की वारदात जो सामने आई है, जो चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही नका मजाड़ी इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर देर रात चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। तो 9 दुकानें हैं और इन दुकानों में ये चोरी जो है वो हुई है, और पुलिस से यही लोग उम्मीद कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि इस चोरी की जो ये घटना है, आप सुनिएगा कि क्या कह रहे सरपंच। आना का मकसद एक ही है कि मेरी पंचायत नकम जड़ी मिडल, इसमें ये छोटी सी मार्केट है, तो इस मार्केट से 9 दुकानों की चोरी हो गई है, 9 दुकानदार बेचारों की चोरी हो गई है, जो हमारी सबसे बड़ी दुकान हार्डवेयर की है और होलसेल दुकान है किराने की, वो बहु अनमीर साहब की, वो 3 दुकानें जो हैं वो उसके शटर तोड़े गए हैं और उससे सामान वगैरह भी लेके चले गए, और उसके साथ साथ मेडिकल की शॉप थी, इसमें कमेटी का पैसा, कुछ ये कमेटी डाल के बेचारे आपस सर्कल चला रहे थे, उसका पैसा अपने गले में रखा हुआ था, वो भी निकाल के ले गए और कुछ दवाई भी साथ में लेके, और उसके साथ में एक दुकान है हमारी फ्रूट की, सब्जी वगैरह, उसकी भी दुकान जो चल के चोरी की है, वो सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह निकाल के ले गए, उसके साथ है एक कपड़े की दुकान है बड़ी, उससे वो मतलब काफी उसका नुकसान किया है, क्योंकि उसके कपड़े वगैरह जो है हमने थ्रू पुलिस के जो है वो दूसरी जगह से उठा के लाए हैं और पैसा वगैरह भी निकाल के ले गए, और उसी शॉप के अंदर है औकाफ की, यहाँ पे एक संदूकी रखी है जिसमें प्रोडक्शन लोग के पैसे जो डाले जाते हैं, वो पैसे सारे वो निकाल के ले गए, और उसी के साथ साथ हार्डवेयर की दुकान है, और उसी को उसका भी लॉस किया, उसको भी मुसूर किया, उसके साथ है एक लड़का है उमर, उसकी दुकान को भी किराने की दुकान है, उसको भी लूटा है, और उसी के साथ है एक रोज
पुरजोर अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि बिलखसूस SSP साहब पूंछ और बिलखसूस DC साहब पूंछ और हमारे जुडिशन के SHO हरनी, उनने पुलिस यहाँ पे भेजी है हमारी कॉल पे। इनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, जो पहले SSP चले गए, हम एक डेपुटेशन लेके गए थे कि हमें यहाँ पे चौकी दी जाए। 7 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से हरनी वाली चौकी है और 8 किलोमीटर की दूरी पे जो है कलर चौकी है। तो ये 20 का पोर्शन जो है इसी तरह फ्री है। ये चोरों ने अपना घर बना के रखा हुआ। ड्रग्स लोग, ड्रग्स जितने भी हैं, नशीले लोग, ये यहाँ पे एक प्रणय प्रोजेक्ट बन रहा है। यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं तो यहाँ पे आके इन लोगों का आई लॉस किया है, चोरी किया है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। मैं ये अपील करता हूँ कि इमीजिएटली एक इंक्वायरी बिठाई जाए, तो चोरों को सामने पब्लिक डोमेन पर लाया जाए और साथ साथ में हम चौकी की मांग करते हैं। तमाम इस इलाके की तरफ से 3 पंचायतें हैं जिसमें पुलिस की सहूलियात तो यहाँ पे चौकी न होने की वजह से ये इतना नुकसान हुआ है। तो हमें जो है SSP साहब से हम गुजारिश करते हैं, नए SSP आए हैं, बड़े दिलेर हैं, बहादुर हैं, काम करने वाले हैं, यहाँ पे हमें नक्का मंजाड़ी मिडिल के अंदर एक चौकी दी जाए ताकि ये 3-4 पंचायतों को ऑलमोस्ट कवर कर सकती है। तो मैं इसी पे अपनी बात खत्म करता हूँ। ओके, खुदाफिज। तो ये आपने सुना कि ये जो इलाके के लोग हैं, ये जो सरपंच है, वो साफ़ तौर पर कह रहे हैं कि वो जो एरिया है, गैप है, यानी मिडिल नका मंडियाड़ी में, वहाँ पर पुलिस की उपस्थिति जो है वो नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि हमने इससे पहले भी पुलिस से ये गुजारिश की थी कि वहाँ पर कोई चौकी होनी चाहिए या ऐसा मूवमेंट होना चाहिए ताकि इस तरीके के वाक़िया जो है वो ना निकल कर सामने आए। तो ये चोरी की बड़ी वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया। अब देखना ये है कि पुलिस इस पर किस तरीके की कार्रवाई करती है। गुरसाई पुलिस स्टेशन में इसको लेकर मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। अब देखना ये है कि कौन चोर हैं, क्या वो लोकल लोग हैं या फिर जो इन लोगों का इल्ज़ाम है, या अभी सरपंच बता रहे थे कि जो नशे के आदी हैं, जो एडिक्ट हैं, वो भी इस घटना को अंजाम दे सकते हैं या फिर लोकल हैं। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस चोरी की वारदात को किसने अंजाम दिया है। हार्डवेयर की दुकान, केमिस्ट शॉप, फ्रूट शॉप, करियाना, ये तमाम तरह की सभी दुकानों को जो है वो लूटा है। तो ये एक खबर जो है वो सुबह से निकल कर जो सामने आई थी, जिसको लेकर जो हमने जो है वो आप तक ये खबर रखी है। अब मेरी कोशिश है कि आप सबका इसी तरीके से, जैसे आप हमें प्यार देते हैं, कि मैं कुछ टॉपिक्स या कुछ चीज़ें जो है वो लाइव के माध्यम से भी अब आपके सामने रखूँगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप जुड़े रहिए मेंडर न्यूज़ डायरी के साथ।